अध्याय 3 घातांक एक्सपोनेंट। निधि, मयंक और रेशमी संख्याओं से जुड़ी पहेलियां पूछ रहे हैं। 10,000 को 1,00,000 से गुणा करें तो कौन सी संख्या मिलेगी? 100 करोड़ यानी 1 अरब। इस संख्या में कितने शून्य होंगे? 9 शून्य होंगे, क्योंकि 10,000 यानी 10^4 और 1,00,000 यानी 10^5 या 10^4 गुणा 10^5 बराबर 10^9। अब मेरी बारी। 7 बॉक्स का 1 डिब्बा है। हर छोटा बॉक्स दूसरे के अंदर है। पहले छोटे वाले में 2 मोती है और हर अगले बॉक्स में उससे दुगनी मोती है, तो 7वें बॉक्स में कितनी होंगी? ये बहुत कठिन है, इसमें तुम्हें बहुत समय लगेगा। क्यों? 7 बॉक्स है और संख्या दुगनी हो रही है, इसका मतलब कि 2×2×2×2×2×2×2 यानी 2^7 बराबर 128 होगी। पर यह भी पता करो कि कुल कितने मोती हैं। करके देखें। पहला, शतरंज के एक खाने में चावल के 4 दाने हैं, दूसरे में उसके 4 गुने, तीसरे में दूसरे के 4 गुने चावल हो जाते हैं, तो बताओ चौथे में कितने दाने हैं? इसे घातांक रूप में लिखिए। दूसरा, हल कीजिए। पहला, 3^5 गुणे 3^7। दूसरा, 17×17×17×17। तीसरा, 5×3×3×3×3×3। चौथा, 2/3×3×2/3×5। पांचवा, 2/5×2/5×2/5। तीसरा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इसे 10^10 के रूप में लिखिए। घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यदि ए एक वास्तविक संख्या व एम एन पूर्णांक संख्या है, तो पहला, गुणा का नियम, a^m×a^n बराबर a^m^n। दूसरा, भाग का नियम, a^m/a^n बराबर a^m^n, जहां a शून्य के बराबर नहीं है। तीसरा, घातों की घात का नियम, a^m/n बराबर a^m×n। चौथा, a×b/m बराबर a^m×b/m। पांचवा, a/b/m बराबर a^m/b/m। छठवा, a^0 का अर्थ a^m/a^n बराबर a^m/n, जहां a शून्य के बराबर नहीं है। यदि m बराबर n हो, तो a^m/a^m बराबर a^m/m, 1 = a^0, अतः a^0 बराबर 1। सातवां, a^m बराबर 1/a^m या a^m बराबर 1/a^m।